ऐसा नहीं करती है कोई भी टेलीकॉम कंपनी, तो उस पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने ऐसे देखा, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं और किस तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जहाँ हम इस चीज़ को जानेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर, और इस वेबसाइट के ऊपर जो है, देखिए मैं अपना, अभी मैंने अपना लोकेशन डाला था तो मैंने अपना लोकेशन हटा दिया है। अब देखिए, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने जैसा आगे आपको बताया था कि लोकेट टेलकॉम टावर इन योर एरिया, माय लोकेशन, ईएमएफ ओवरव्यू, ये सारे जो है आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम ईएमएफ ओवरव्यू पे अगर क्लिक करते हैं, तो ये एक नया टैब में देखिए एक डॉक्यूमेंट खुलता है जिसके बारे में, ईएमएफ के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ईएमएफ एक्चुअली में होता क्या है, और इसके अंदर जो है सारी डिटेल दी गई है। और मैं आपको ले चलूँगा वहाँ पे, देखिए, इंटरनेशनल रिसर्च ऑन हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ ईएमएफ। देखिए यहाँ पे जो है WHO ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च में क्लियरली बताया हुआ है कि करंट एविडेंस डज नॉट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी हेल्थ कंसिक्वेंसेस फ्रॉम एक्सपोजर टू लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसने, WTO ने कहा है कि अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, बट किसके लिए, लो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हाँ अगर हाई एक्सपोज हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, उसने कहा है कि लो, जो लो हो उसके रिगार्डिंग। तो ये ओवरऑल अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेंगे तो इसके अंदर और भी डिफरेंट तरीके की जानकारी है, जिसके अंदर BTS का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगर वो कंप्लाइंस को फॉलो नहीं करती है जो इंटरनेशनल लेवल पे है तो उसमें जो है उसको क्या चार्जेस लग सकते हैं, इसके बारे में इसमें सारी डिटेल दिया हुआ। तो चलिए चलते हैं हम अपने लोकेट टेलकॉम टावर इन योर एरिया पे, और वहाँ पे जो है हम अपना लोकेशन डालते हैं। देखिए मैंने लाडोसराय डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने इस पे। अब मैं यहाँ पे जो है अपना नाम डालता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ फिर से। और मैंने कंफर्म कर दिया है। अब मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और मैं ये कैप्चा जो है इसमें डाल देता हूँ, BGMLB। मैंने क्लिक कर दिया है सेंड मी द OTP। अब मैं इस पे जाके देखता हूँ कि मेरे जो है जीमेल में OTP आया कि नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है तरंग संचार से मेरे पास OTP आ गया है। ये मेरा OTP है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं उस पेज पे जाता हूँ और यहाँ वैलिडेट OTP पे क्लिक करता हूँ, और मैंने OTP डाल दिया और वैलिडेट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये देखिए, ये मुझे एरिया पे ले आया है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे मैंने लाडोसराय डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, ये इतने सारे ब्लू बैलून्स आ गए हैं। अगर मैं इस पे ले जाता हूँ और मैं किसी एक को क्लिक करता हूँ, ये देखिए लाडोसराय का पॉइंट दिखा रहा है।
अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर में है ये एक्चुअली में आपका जो है आया हुआ है, और इसमें देखिए दिस साइट इज़ ईएमएफ कंप्लेंट, वोडाफोन 2G 3G, ये वोडाफोन का साइट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे हम जाते हैं, अब देखिए अब मैं यहाँ पे अगर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर सकता हूँ, क्लिक हेयर टू गेट मोर डिटेल्स इन मेल, और मुझे मेल पे आ जाएगी। चलिए मैं कुछ और टावर्स को देखता हूँ जो आसपास के टावर्स हैं इसको। दिस साइट इज़ ईएमएफ कंप्लाइंट, मतलब ये सारी साइट्स जो है ईएमएफ जो भी मैंडेट फील्ड्स हैं उसको फॉलो कर रही है, और जो भी टेलकॉम डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइन दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए ये सारी साइटें यहाँ पे लगाई गई है। ये देखिए ये जो है एयरटेल का साइट दिखा रहा है पर्पल कलर में, देखिए एयरटेल का साइट, और ये देखिए ये भी जो है 2G की साइट है, वो सारी डिटेल इसमें बता रहा है। इसी तरीके से एक बार हम ग्रीन साइट पे क्लिक क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये ग्रीन साइट किस चीज़ का है। ये ग्रीन साइट भी एयरटेल का है, 2G 3G और 4G साइट्स हैं ये। तो यहाँ से हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि ये जो पर्पल कलर के साइट हैं, ग्रीन कलर के साइट हैं या ब्लू कलर के साइट हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे अभी चल रहे हैं और वो ईएमएफ कंप्लाइंट हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं और अपने आसपास के रीजन के बारे में हम जान सकते हैं, जो भी टावर लगे हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं, उसके बारे में वो लोकेशन के बारे में हम जान सकते हैं कि हाँ मेरे पास जो टावर लगा है वो ईएमएफ कंप्लाइंट है कि नहीं है, और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ और है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस वेबसाइट पे जाइए और आप भी अपने आसपास के जो भी टावर लगे हुए हैं उसको आप चेक कीजिए कि हाँ ये है कि नहीं है, ये रिलायंस जियो का टावर लगा हुआ है मेरे पास में तो इससे मुझे कोई ख़तरा तो नहीं या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए दोस्तों लो लेवल रेडिएशन के बारे में, माइक्रोवेव्स रेडिएशन जो यूज़ होता है मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, उसके लिए क्लियरली WTO ने भी और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कर रही है उसने भी ये क्लियरली स्टेट किया है कि देयर इज़ नो सच इफेक्ट, और ऐसा कुछ रिसर्च में आया नहीं है अभी तक। बट फिर भी आप अपनी श्योरिटी के लिए, जैसे कि अभी एक बंदे ने एक केस फाइल किया था और वो केस सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको दे दिया, वो कैंसर कैंसर के लिए उसने उस टावर को जिम्मेदार ठहराया था जिसके रेडिएशन निकलने की वजह से उसे प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इसी तरीके से अगर आपके आसपास में भी आपको इस चीज़ को चेक करना है कि टेलकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो अपना दिया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन कि आप एक BTS लगा रहे हैं आसपास में तो आपको क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है, तो आप वहाँ से इस वेबसाइट्स के थ्रू आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और अपने एंड पे चेक कर सकते हैं कि हम आसपास हमारे आसपास जो टावर लगी हुई है।